तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको कैपेसिटर के बारे में पूरी नॉलेज देने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे मन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो गाइस हमारे जो सीलिंग फैन होते हैं या फिर हमारे दूसरे पंखे होते हैं उसके अंदर कैपेसिटर को लेकर होता है कि उसके अंदर कौन सा कैपेसिटर हम लगाएं। तो देखिए हमारे सामने कुछ कैपेसिटर रखे हुए हैं। ये हमारा 3.15 mmHg का कंडेंसर है, ये वाला भी गाइस 3.15 mmHg का है, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा 8 μF का है। तो गाइस सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हम सीलिंग फैन में कौन सा पंखा कैपेसिटर यूज करेंगे, और जो हमारे तूफान पंखे होते हैं उसमें कौन सा कंडेंसर यूज करेंगे, और बड़ी मोटर में हम कौन सा कंडेंसर यूज करेंगे। तो देखिए गाइस, ये जो 3.15 mmHg का कंडेंसर है ये हमारा सीलिंग फैन के अंदर भी यूज हो जाता है, और हमारा जो स्टैंड वाले पंखे होते हैं तूफान पंखे उसके अंदर भी लग जाते हैं। लेकिन गाइस कंपनी जो रिकमेंड करती है हमें कैपेसिटर यूज करने के लिए सीलिंग फैन में, वो 2.5 mmHg का कंडेंसर यूज करने के लिए रिकमेंड करती है। इसका मतलब 2.5 का कंडेंसर हम उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस जहाँ पर वोल्टेज थोड़े वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वहाँ पर हम 3.15 mmHg का कंडेंसर यूज़ कर लेते हैं। अभी देखिए ये भी गाइस हमारा सेम है, लेकिन ये थोड़ा पुराना कंडेंसर है, तो ये भी हम सीलिंग फैन और तूफान पंखे में दोनों में यूज कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, ये है हमारे पास सार्क का 8 μF का कंडेंसर 440 वोल्ट। इसका गाइस जो यूज करते हैं वो हम करते हैं जो हमारे टिल्लू पंप होते हैं, नल वाली मोटर उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। जो गाइस हमारी छोटी वाली मोटर होती है उसके अंदर हम 8 का लगा देते हैं, उससे जो बड़ी होती है उसमें हम 10 का लगाते हैं। ये हमारा 10 का है, इसके नंबर गाइस अभी मिट चुके हैं। और जो हमारे सैलो वेल पंप होते हैं उसके अंदर गाइस हम 15 से लेकर 20 तक का कैपेसिटर यूज़ कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात हमारी आती है कि कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत होती क्यों है गाइस। तो देखिए, किसी भी मोटर को या पंखे को चलने के लिए शुरू में एक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने कभी कभी साइकिल चलाई हो तो शुरू में आपको 2-4 पैंडल जो होते हैं वो कैड़े मारने पड़ते हैं, मतलब भारी लगते हैं। उसी तरह से गाइस मोटर को चलने के लिए शुरू में हमारे हाई एम्पियर के करंट की आवश्यकता होती है। तो ये जो कैपेसिटर होते हैं हमारे, इनका काम हमारा सिर्फ ये होता है कि ये मोटर को स्टार्टिंग में शुरू करते टाइम उसे थोड़ा सा टॉर्क दे दें, जिससे कि हमारी मोटर रन हो जाए। उसके बाद गाइस हमारा कंडेंसर का जो काम है वो कम हो जाता है, इसका काम शुरू में ही ज़्यादा होता है। अब देखिए गाइस, एक कैपेसिटर हमारा इस तरह का होता है। ये हमारा 50 वोल्ट 4700 μF का कैपेसिटर है गाइस। ये एक पोलराइज्ड कैपेसिटर है, जबकि ये जो कैपेसिटर हैं ये नॉन पोलराइज्ड हैं। अब गाइस पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो पट्टी वाला सिरा है ये गाइस इसका माइनस पॉइंट होता है। देखिए पट्टी वाले के सिरे के साइड में हमारा ये वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये तो हमारा कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है। किसी भी पीसीबी में माउंट करते समय, जैसे कि हमारे पास ये इन्वर्टर की एक पीसीबी है, इसमें माउंट करते समय हमें इसके, ये देखिए आप देख सकते हो, तो निशान वाली पट्टी का ध्यान रखना है। इस तरफ हमारा माइनस पॉइंट लगाना है और दूसरी तरफ हमें प्लस लगाना है। अगर गाइस हम इसमें इसकी पोलरिटी का ध्यान ना रखें और प्लस माइनस को आपस में चेंज कर दें तो हमारा कैपेसिटर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब लेकिन गाइस दूसरी तरफ हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है, आप इसे किसी भी तरफ से ला सकते हैं, ये हमारा बल्ब। गाइस देखिए, इस तरह के कैपेसिटर आपको चेक करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपको सीरीज वायर लेनी है, जैसा कि हमने ले रखी है, और इसे सीरीज बोर्ड से आपको कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए हमारा सीरीज जो बल्ब है वो जल चुका है, एक बार फोकस करते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा सीरीज बल्ब है। अब देखिए, आपको इसके दोनों पॉइंट पर हमें सीरीज वायर के वायर कनेक्ट करने हैं। ये देखिए हमारा बल्ब ग्लो हो गया गाइस। अगर गाइस आपका बल्ब थोड़ा ग्लो हो जाए तो आपका कैपेसिटर जो है वो एकदम ओके कंडीशन में है, और आपका कैपेसिटर ग्लो ना हो तो वो हमारा कैपेसिटर जो है वो ख़राब है। अब एक बार आपको इसे टच करके देखना है, आपको एक स्पार्क दिखाई देगा। ये देखिए, स्पार्क क्रिएट हुआ और हमारा कैपेसिटर
किस रेंज वायर से कनेक्ट करने पर हमारा बल्ब भी जल चुका है, तो इसका मतलब है हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है गाइस। अगर ये सेम प्रोसेस करने पर आपका कैपेसिटर स्पार्क क्रिएट नहीं करता है और बल्ब नहीं जलाता है तो हमारा कैपेसिटर जो है वो वीक हो चुका है, आपको उसे बदल गाइस। अगर हमारे द्वारा बताई गई छोटी सी जानकारी थी आज की वीडियो में, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।